अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ चॉकलेट ब्राउनी बनाना। ये काफ़ी रिक्वेस्ट की गई थी, चीज़ें आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ सेल्फ रेजिंग फ्लावर, और साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होगी डार्क चॉकलेट, शुगर, आपको ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना है इसके अंदर में। साथ ही आपको चाहिए अनसॉल्टेड बटर, इसके लिए आपको चाहिए एग्स यानी कि अंडे, थोड़े से मैंने चॉकलेट जो होते ड्रॉप्स डार्क वाले और वाइट रखे हैं जस्ट फॉर द गार्निशिंग, और साथ ही आपको चाहिए होगा वनीला एसेंस। यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास जो ओवन प्रूफ ट्रे है उसमें मैंने इसके अंदर बेकिंग पेपर या ग्रीस पेपर, जो भी आप इसे कहते हैं, हर जगह डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसको मैंने हल्का सा जो है बीच में ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी जो ब्राउनी है बेक होने के बाद चिपकेगी नहीं। और हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि ओवन को प्री हीट कर लिया करें 15 मिनट पहले। 180 सेंटीग्रेड होगा, गैस मार्क 350 फ़ारेनहाइट, तब तक हमारा जो है ओवन प्री हीट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमने देख लें जो 3 eggs है उन्हें मैंने बीट कर दिया हुआ है, और बीट करने के बाद आगे आपको दिखाते हैं कि क्या। आप देख लें कि यहाँ पे मैं एक पैन का इस्तेमाल करूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी बटर ऐड कर लिया है अनसॉल्टेड, और इसे मैं यहाँ पर मेल्ट कर रही हूँ। और फ्लेम बिल्कुल प्लीज नीचे लो रखिएगा, क्योंकि आपको पता है बटर जब भी मेल्ट होता है ये काला होना शुरू होता है, तो वी डोंट वॉन्ट इट टू गेट ब्लैक। तो हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह पहले मेल्ट कर लेते हैं, देन आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बटर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारी चॉकलेट है, और साथ साथ इसको आप यूं हिलाते रहेंगे अंटिल चॉकलेट जो है स्मूथ बिल्कुल हो जाए और बटर मिक्सअप हो जाएगा। ये देखें, गर्म बटर में जाते ही चॉकलेट मेल्ट होनी शुरू होती है। सो मेक श्योर कि नीचे जो फ्लेम है बिल्कुल लो पर होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख लें कि चॉकलेट बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपकी शुगर है यानी चीनी, और बिल्कुल मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि नीचे जो आपका जो फ्लेम है चूल्हे की बिल्कुल लो पर होनी चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिएगा वरना ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सिर्फ आपने इसको यहीं पर रखकर दोबारा हल्का सा चमचा हिलाएंगे और मेक श्योर करें कि शुगर इंटायरली मेल्ट हो जाए, फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या। आप देख लें कि शुगर भी मेल्ट हो चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे बिल्कुल चूल्हे को बंद कर देंगे, इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका वनीला का जो एक्सट्रैक्ट है, इसको मिक्स कर लें बीच में, और इसके साथ ही साथ यहीं पर अब आप ऐड करेंगे जो आपका सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, और आपने इसको इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो हैं इक्वली थिक बैटर की शक्ल में आना शुरू हो जाए। देख लें सब कुछ मिक्सअप हो गया हुआ है और बीच में कोई भी लम्स नहीं है। यहीं पर आप ऐड करेंगे जो हमारे बीट किए हुए एग्स हैं, बीच में डाल लें, इसको मिक्सअप कर लेते हैं, और फिर इसे हम अपनी बेकिंग ट्रे में डाल लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह देखें मिक्स कर लिया है, ये हमारा डो बन चुका है सॉफ्ट। अब इसको हम इसमें ऐड करने लगे हैं बेकिंग ट्रे में, कर लेने के बाद थोड़ा सा मेक श्योर कीजिएगा कि ये इक्वली स्प्रेड आउट हो जाए ताकि हमारी बेकिंग जो है सही हो जाएगी। इसी के ऊपर आप थोड़े से जो आपके स्प्रिंकल्स हैं ये डाल लें, ज़्यादा भी डालना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इधर थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब आप बाइट भी लेंगे तो उसमें चॉकलेट आपको नज़र आती है, थोड़ी सी वाइट डाल लेते हैं, और अब हम इसे बेक करेंगे। मैं आपको टेम्परेचर बता चुकी हूँ फॉर अबाउट 40 मिनट्स, और फिर हम इसे निकाल कर आपको मैं दिखाऊंगी कि ये कैसा है। यहाँ पर आप देख लें 40 मिनट्स के बाद बेक हो चुका है, अब हम इसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर इसे डिश आउट करें। ठंडे हो जाने पर देख लें आप इसको सिंपली काट सकते हैं, जो नीचे ग्रीस पेपर होता है अगर आप यहाँ पर देख लें तो ये बिल्कुल आराम से देखें उतर जाता है। स्लाइसिस कीजिएगा, यहाँ पर आप देख लें, सर्व कर लें, बच्चों को साथ में ठंडा दूध दें, ज़रूर बनाएँ। फुल रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाना होगा। बताइए वो कैसा लगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।